आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ठिठुरा देने वाली ठंड से भगवान भी अछूते नहीं हैं। उज्जैन के महाकाल की तरह प्रसिद्ध होशंगाबाद के काले महादेव मंदिर में भगवान को सर्द रातों में ठंड से बचाने के लिए कंबल और शॉल ओढ़ाए जा रहे हैं। शयन आरती के लिए भगवान को गर्म पानी से स्नान कराया जाता है, गर्म खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जा रहा है। होशंगाबाद के मां नर्मदा के सेठानी घाट स्थित काले महादेव मंदिर में रात के दूसरे पहर में शयन आरती की जाती है। इसके लिए पहले गर्म पानी से शिवलिंग को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद सरसों के तेल से शिवलिंग की मालिश की जाती है और उन्हें एक सुदर्शन स्वरूप प्रदान किया जाता है। भगवान को ठंड ना लगे इसलिए रात में शिवलिंग कंबल शॉल में लपेटकर भगवान को सुलाया जाता है। सर, मतलब मैं जब से देख रहा हूँ तब से तो यहाँ के जो पुजारी हैं वो माँ नर्मदा का जल लेके आते हैं, उसे गर्म करके फिर भोलेनाथ का स्नान कराते हैं और स्नान करने के बाद उन्हें सरसों का तेल लगाया जाता है। इत्र इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो चीज़ उन्हें ठंडा करती है, इसलिए उसको सरसों का तेल नंदी महाराज को भी और भोलेनाथ को दोनों को लगाया जाता है। उसके बाद जो उनका रात्रि का श्रृंगार होता है वो शयन श्रृंगार करके गुड़ के और जो भी चीज़ जो गर्म करने वाली रहती है वो उन्हें भोग लगाई जाती है सामग्री का, और उसके बाद कंबल उड़ा के शयन आरती करके पटवन कर दिया। यह ठंड से बचाने के लिए भगवान को गर्म पानी का उपयोग किया जा रहा है। उसके तत्पश्चात भगवान को सरसों के तेल की मालिश की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर पूरे कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार भगवान की शयन आरती, वहाँ पर भी भगवान की शयन आरती होती है। भगवान को 3 घंटे का शयन दिया जाता है, 4 बजे पुनः कपाट खोल दिए जाते हैं। भगवान को ठंड में बचाने के लिए गर्म वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, गर्म कंबल ओढ़ाए जाते हैं। कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन अपने इष्ट का हर तरह से ख्याल रखना भी एक किस्म की भक्ति है। हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी में भगवान भोलेनाथ को गर्म कपड़ों के साथ भोग भी गर्म खाद्य पदार्थों का लगाया जाता है। शीतलहर के दौरान भगवान के लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।